बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नर्स के टेस्ट में आई हुई है। पहला वर्ड है ऑब्नोशियस, जिसके मीनिंग होते हैं एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, यानी कि यार कोई चीज़ बहुत ही आपको बुरी लग रही है। भाई क्या हुआ कि आप जो थे, आपने भाई बड़ा अच्छा बिरयानी कोरमा वगैरह खाया, कोई बंदा एकदम उसने आपके को टक्कर मार दी और आपकी प्लेट गिर गई, तो ये क्या सिचुएशन होगी? ऑब्नोशियस सिचुएशन, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। और इसके क्या क्या मीनिंग होते हैं? लॉटसम, लॉटसम के मीनिंग भी अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं लगा, कोई बदबू आ रही है कहीं से तो हम कहेंगे लॉटसम स्मेल, डिस्कस्टिंग। और एक वर्ड है रेपकनेंट, रेपकनेंट, ठीक है, रेपकनेंट भी कल कल अगर वो दे सकते हैं। तो इन सब के मीनिंग क्या होते हैं? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। अब इसके एंटोनिम्स क्या हैं? ग्रेटिफाइंग, बहुत ही प्लेजेंट सिचुएशन, बड़े खुश, जैसे कि जनाब आपकी फर्स्ट पोजीशन आ गई, आपका नर्स का टेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है, आपका जीआरई का टेस्ट क्लियर हो गया, डिलाइटफुल। और एनोगोस, गौर से देख लें, ऑब्नोशियस के मीनिंग है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट के एक और मीनिंग भी होते हैं लॉटसम, डिस्कस्टिंग और रेपकनेंट। एंटोनिम्स में ग्रेटिफाइंग, डिलाइटफुल और एनोगोस। ओके मेरे भाई, अब हम आगे आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट साइनोनिम्स, जिनमें से एक है कन्वोनेंट। कन्वोनेंट के मीनिंग होते हैं लाइक कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, कोई ट्रीटी हो गया, या कोई अकॉर्ड, जैसे कि कोई मुआहदा हो जाना, भाई मैं और आपको आपस में कोई मुआहदा कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा? कन्वोनेंट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड या ट्रीटी। अब तीसरा वर्ड है डेफरेंस, जिसके मीनिंग है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, हम्बल रिक, सबमिशन, हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल भी कहते हैं ना, बड़ी मधुबाना किस्म की। और क्या होता है? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के मीनिंग भी क्या होते हैं? बड़ी रिस्पेक्ट देना किसी को, भाई मैं आपको बहुत एक्सट्रीम दे रहा हूँ, एक्सट्रीम, रेफरेंस, रेफरेंस। सो ये सारे के सारे वर्ड। अब एंटोनिम क्या होगा? स्कॉर्न, किसी को बेइज्जत करना। आपने पूछा, हाँ भाई, कोई असद नामी बंदा आया, आपने कहा कौन असद, वो उसने कहा दूध वाला, आपने कहा हाँ, या किसी राशिद नामी बंदा आया, आपने कहा कौन सा राशिद, कहने लगा कि मैं राशिद इंजीनियर, आपने कहा मैं समझा बूट पॉलिश वाला राशिद आया, तो आपने किसी को ऐसे बेइज्जत कर दिया, रिप्रोच कर दिया, स्पंड कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? बेइज्जत करना। एक तो किसी को फूल का गुलदस्ता देना, किसी को क्या पता चला आपने कूड़ा फेंक दिया उसके ऊपर, तो स्कॉर्न, रिप्रोच, स्पंड, बैठने लगा आपने चेयर खींच ली, ये खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल, स्कॉर्न, रिप्रोच और स्पंड की। और डेफरेंस यानी रिस्पेक्ट, हम्बल सबमिशन, एक्सट्रीम और रेफरेंस।